नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः कारुण्यमुकारं अर्हन्ताणं तयैव सिद्धाणं आयुर्वज्रायाणं लोयम्यासव साहूढम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजरा श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव्य बंधु मनुष्य जीवन सभी को मिला है, लेकिन जीवन जीवन में अंतर है। मनुष्य की संज्ञा प्राप्त करने वाले आप सभी हैं, लेकिन सबके जीवन में अंतर है। एक मनुष्य वो है जो महलों में है, एक मनुष्य वो है जो उन महलों में काम कर रहा है। दोनों ही मनुष्य हैं, फिर भी कुछ अंतर तो है। माँ आप भी मनुष्य ही हो, उसमें भी अंतर आ गया कि एक पुरुष है एक स्त्री वेद में है, फिर से अंतर आ गया। मनुष्य की अपेक्षा से सब में एकत्व है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर तो फिर भी आ गया। ये अंतर क्यों आया है? इस अंतर का कारण कोई और नहीं, हम ही हैं। पंडित जी, क्या नाम पंडित जी का? शास्त्री जी, क्या नाम है? नारायण शास्त्री जी। चाहे गीता पढ़ लो आप, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो, चाहे पद्म पुराण पढ़ लो, चाहे आदि पुराण पढ़ लो, चाहे आप घोर साधना कर लो, अंत में पहुंचने के बाद हर जीव यही कहता है, इस संसार में कुछ नहीं रखा। विधायक जी, जो नरेश भैया का वर्तमान है वो आपका भविष्य है, सही है? एक युवा है, उसके लिए वृद्ध को देख करके सोचना चाहिए कि हमारी भी वही स्थिति होगी। पूजा पुण्य की है, पूजा व्यक्ति की नहीं हो रही। पूजा चारित्र की है, पूजा व्यक्ति की नहीं है। नहीं तो आप वही थे जिसका जन्म हुआ था, आप वही हो जो विधायक है। नरेश भैया, आप वही हो जो विधायक थे। अंतर क्यों आया है? चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चार वेद 18 पुराण, बात मिली है दो। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। भैया जितने लोग आप लोग यहां आए हो, सबसे कहना है न किसी व्यक्ति की गलती मानना,
न किसी अकस्मात दुर्घटना को दोष देना, गलती अपनी ही मानना कि अगर आपके पाप कर्म का उदय नहीं होता तो आपको कुछ नहीं होता, दूसरे ने कुछ नहीं किया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। शास्त्री जी कुछ नहीं है, अपना ही किया लौट के आ रहा है। और प्रदीप भैया पूरा श्रीमंत परिवार, ये जो आप उनकी सेवा में लगे हो, वास्तविकता में आप उनकी सेवा में नहीं लगे हो। कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करता, हर व्यक्ति अपना उपक्रम जो भी करता है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है विधायक जी, दोनों विधायक जी से प्रश्न है। बेटे को बुखार आ गया और नरेश भैया ने कहा, भैया हमारे बेटे को भी बुखार आया था, ये वाली जाप करो परमात्मा की, ठीक हो जाएगा जल्दी। आपके जाप करने से बेटा कैसे ठीक होगा? वो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो। आप भोजन करते हो तो आपका पेट भरता है और आपका पुत्र भोजन करता है तो उसका पेट भरता है, दोनों स्वतंत्र हैं। और नहीं है स्वतंत्र तो आप दवा खा लो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी देखा नहीं जाता डॉक्टर साहब, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। फिर भी नरेश भैया के परमात्मा की नाम लेने से, भक्ति करने से उनके बेटे का स्वास्थ्य ठीक होते देखा गया। ऐसा देखा गया कि नहीं? परमात्मा के द्वारे जाते हो, बीमार हो गए तो डॉक्टर के द्वारे जाते हो और डॉक्टर मना कर दे तो फिर परमात्मा के द्वारे पहुंच जाते हो। बोलो डॉक्टर साहब आप क्या करते हो? जब अब गुंजाइश नहीं है तो क्या बोलते आप? भैया अब भगवान का जाप करो, बोलते कि नहीं? जब आपके हाथ का नहीं बचा तब क्या करते हो? भैया परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, भैया आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो जय जिनन। विधायक जी फिर भी नरेश भैया के माला फेरने से उसके उनके बेटे के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया, ऐसा देखा जाता कि नहीं? कर्म सिद्धांत अलग है और ये प्रक्रिया अलग कैसे हो गई? अलग नहीं है। आपने परमात्मा का नाम लिया है इस भाव से कि हे भगवान मेरा दुख दूर हो। और आपका दुख क्या है? आपका दुख क्या है कि ये व्यक्ति दुखी है, उससे आप दुखी हो। सही है? अब समझना, किसी के किसी भी प्रकार के उपक्रम से किसी का भी दुख दूर नहीं होता। व्यक्ति जो कुछ करता है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है, जो कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। आनंद भैया सीधी सीधी बात है, और चाहे रितेश भैया आए हो, वो कारीगर को लेके आए हो, वो इसीलिए लेके आए गुरुदेव ने कहा है। कारीगर उदयपुर से क्यों आया? आपका रिश्तेदार नहीं है, समझी नहीं है वो कि रिश्तेदारी के लिए आयो? उसको पता है यहां आएंगे चार पैसा कमा के जाएंगे। आपको पता है आपने भी इतने अच्छे से धोती पहनवाई, उसको क्यों पहनवाई? आपको पता है ये व्यक्ति ठीक है, हमारा काम अच्छा होगा। प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। भैया ये आप लोगों की व्यवस्था नहीं हुई प्रदीप भैया, ये आपने अपनी व्यवस्था की है, भूतार्थ यही है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ना मानो तो आप कभी किसी माँ को भोजन बनाते देख लेना, क्या करती? पहले माँ आटे में मिलाती है पानी, पहले उसने किया आटे को गीला, फिर आटे को गीला किया, लोई बनाई, तवे पे रखी, फिर उसने पूरा पानी सुखाया,
और पहले की प्रक्रिया में जाओगे तो गेहूं को पहले धोया था, पहले गीला किया, फिर सुखाया, फिर गीला किया, फिर सुखाया, लेकिन जब खाते हैं तो गीला करके खाते, सूखी कोई नहीं खाता। ये जो प्रक्रिया दिख रही ना अनंत बेटा, इस प्रक्रिया को भूलना नहीं है। एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया होती ही है, चाहो ना चाहो होती है। विधायक जी, भोजन किया आपने कल शाम को? कहाँ है, कहाँ है बताओ? आया, और जैसे आप एक क्रिया करते हो दूसरी प्रतिक्रिया होती है, आप चाहो या ना चाहो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ग्रहण करता है और त्याग नहीं करता? त्याग नहीं करोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। विधायक जी, सांस लो, छोड़ना नहीं, चल जाएगा काम। सांस लो, छोड़ना नहीं। एक क्रिया के बाद दूसरी प्रतिक्रिया नियम से होगी। ये जो उपक्रम चल रहा है ये कोई बाहर का नहीं है, बहुत सुंदर सूत्र दिया है शास्त्री जी, तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में, परस्पर ग्रहो जीवा नाम। सुना कि नहीं? परस्पर ग्रहो जीवा नाम। यद्यपि पंचम काल में सूत्र बदल गया है, फिर भी परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का उपकार करना, ये जीव का कर्तव्य है। ये जो बात चल रही ना, ये भी आप लोगों के लिए है, और जो लोग जिनका उपचार होने वाला है उनके लिए दूसरी बात अभी आएगी। परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का, जीव का जीव के प्रति सद्भावना, सुख में दुख में साथ देना, ये उसका उपकार है। जीव का जीव के प्रति परस्पर में उपकार भावना रखना। लेकिन देखो सूत्र थोड़ा सा बदल गया है, परस्पर उपग्रह की जगह परस्पर उपद्रव हो गया है। परस्पर उपद्रव जीवा नाम। मनोज भैया बोले, ये पड़ोसी सुखी कैसे हैं? व्यक्ति उसी बात से दुखी है। जिसका जो योग है, जिसका जो नियोग है, रितेश उसको तुम टाल नहीं सकते हो। क्या आपको पता था कि आपको 1 तारीख को सिवनी आना पड़ेगा? आना पड़ा है कि आए हो? है? देखो विधायक जी, अंतर आ गया। एक व्यक्ति को आना पड़ता है, भैया का करो, सेठ जी का कार्यक्रम है, चलना पड़ेगा कि चलना है। मंदिर जाना पड़ता है और मंदिर हम जाते हैं। क्रिया एक सी दिख रही है, एक सी दिखने पर भी बहुत अंतर है कि नहीं डॉक्टर साहब, बताओ? कोरोना के काल में पेशेंट देखना पड़ रहा था कि देख रहे थे, और बहुत सारे लोग हम भरे कोरोना के काल में बिहार करके आए थे छतरपुर बनारस से पिछले साल, एक एक ट्रक में 100 100 लोग, उसमें भी ऐसे निडर लोग थे जो सेवा करने के लिए खड़े थे। जैसे ही महाराष्ट्र छूटा और एमपी आया, इतने खुश थे वो लोग, बोले भैया वहां किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन मध्य प्रदेश में लोग भोजन भी दे रहे हैं। बोलो, हम लोग तीनों महाराज जी थे भैया, ये उपकार की भावना है। भैया प्रदीप भैया, ये जो आपके पूरे ट्रस्ट का उपक्रम है विधायक जी, ये पूरा उपक्रम उपकार की भावना से है। लेकिन भैया उपकार की भावना रखना, उपकार भी करना, लेकिन उपकार करके भूल जाना। उपकार करके भूल जाना, और जहां आपने उपकार करके भूले नहीं, फिर आपका उपकार व्यर्थ हो जाएगा। जिसके ऊपर उपकार हो रहा है वो तो ज्ञान रखे, वो याद रखे, लेकिन जिसने उपकार किया है वो याद ना रखे। बताएं कैसे विधायक जी? एक सज्जन, अब वो कार्ड में लिखते ना जैसे स्वर्गवासी,
अब वो घर वालों को पता है कि कहां गया है, फिर भी वो क्या लिखते हैं ऊपर, स्वर्गवासी। पूरे पूरे समाज को, मोहल्ले को, सबको पता है देश को, वो सज्जन कहां गए हैं, फिर भी सज्जन बोलना चाहिए। अपन तो सज्जन है ना। एक सज्जन कहीं जा रहे थे, उनको कुएं से आवाज आई, तो उन्होंने देखा कि नीचे एक व्यक्ति डूब रहा है। उन्होंने रस्सी डाल के उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते उसने पैर छुए, भैया आप धन्य हो, आपके कारण मेरा जीवन बच गया। अब गांव पहुंचे दोनों जन, उस जिसने बचाया था उसके लिए वो जो कुएं में गिर गया था व्यक्ति, क्या कहता, भैया इनका बहुत उपकार है, इनने बचा लिया। अब दो चार पांच दस दिन तो उसने बोला, अब उसने बोलना बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया तो सज्जन को क्या आदत हो गई थी सुनने की, कि सब जगह जाके मेरी तारीफ तो करे। तो थोड़े दिन बाद जब उसने बोलना बंद कर दिया तो वो आके वो स्वयं कहता है, तुमको याद है तुम गिर गए थे कुएं में, हमने बचाया था। तो कहता, हाँ भैया आप ही ने तो रक्षा की थी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, एक बार बड़ी सवा लगी थी, उसने फिर बोला, अरे भैया याद है तुम कुएं में गिर गए थे, हमने बचाया था। बोले हाओ बचाया था भैया, छह महीने हो गए। अब वो कब तक सुनता। एक दिन फिर मिले वो सज्जन, बोले भैया याद है। बोले एक मिनट सुनो तो, इधर आओ कुएं के पास ले चलो। बोले फिर से धक्का मार दो। बोले बहुत दिन हो गए सुनते सुनते भैया, अब बस की नहीं है। बोले वापस फेंक दो, हम आ जाएंगे भैया अपनी स्थिति देख के आ जाएंगे, और नहीं आए तो चल जाएगा। ऐसे लोगों से भैया 400 हाथ दूर रहो। सुरेंद्र जी, अरे उपकार तो करे, लेकिन जो निरंतर उपकार गिनाए, इसका तात्पर्य यह है कि उसने उपकार नहीं किया, उसने दिखावा किया है। प्रदीप भैया, 4 नहीं, 400 नहीं, विश्व के जितने भी लोग दिव्यांग हैं उनकी सेवा करना, ये दया दत्ती है। धम्मो दया विशुद्धो, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म ही है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें दया की बात ना हुई हो। डॉक्टर साहब, इनके यहां कोई आया ऑपरेशन के लिए, इनने उठाई बड़ी वाली छुरी, उसको सुलाया, ऑपरेशन किया। पारस भैया कह रहे हैं, बताओ कैसा व्यक्ति है चाकू चला रहा है। डॉक्टर साहब, आपने उसके उपचार के लिए चलाई थी कि उसके अनुपकार के लिए, और इस बीच में उपचार करते करते भी आपकी भावना अच्छी थी कि इसको कुछ ना हो, लेकिन उसकी आयु कर्म पूरा हो जाएगा, तो इनका दोष है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो भाई छोटे डॉक्टर साहब। ये उपचार कर रहे हैं अच्छी भावना से, पूर्ण सतर्कता से, फिर भी अगर उसके आयु को कुछ हो गया, गलती इनकी है कि नहीं विधायक जी? क्यों? इनकी भावना अच्छी है। इसी प्रकार जिस जीव की भावना अच्छी है, ये निश्चित मान के चलना, उसका आने वाला भाव अच्छा है। भैया जितने लोग यहां बैठे हैं, ये व्यवस्था आप ध्यान रखना, इन्होंने आपकी नहीं की, इन्होंने अपने की है, कि कभी जीवन में हमें ऐसा कष्ट ना हो, और कभी मानक किसी पाप कर्म को जैसे कष्ट आता है, कोई ना कोई दूर करने वाला भी हो। आप सबसे इतना ही कहना भैया, ये जो आपका अंग दिव्यांग हुआ है, ये आपके कारण हुआ है कि दूसरे कारण हुआ है, अब बताओ भैया, बोलो। अपनी कारण हुआ ना, अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस भाव में अभी जो मनुष्य बने हो आप, ऐसे परिणाम रखना कि दोबारा ऐसी पर्याय ना मिले। आनंद भैया, सुख के दिन में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, दुख के दिन में उसको सब याद आता है। बताएं कैसे, बताएं कैसे? सुनो अनंत, पिताजी ने आके तुमसे कहा
बेटा अच्छी बात नहीं है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम शाम को मिलना हमको। इसने पिछले 2 साल की रिकॉर्ड अपने घुमा लिया पूरा, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ किया है, पिताजी को क्या मालूम चल गया है। ये तो 100 1 2 साल की बात है भाई, जो पीछे की जितनी पर्याय हैं उनका क्या होगा। सुन रहे भाई रितेश? सुन रही कि नहीं? जो ये पर्याय हैं इसको बड़े ध्यान से देखना और इस दृष्टि से देखना, कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपकी भविष्य की पर्याय ऐसी होगी। जितने लोगों का यहाँ उपचार चल रहा है प्रदीप भैया, सबको आप व्यवस्था करना, लेकिन एक बात जरूर कहना भैया, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमको एक वचन दो कि आप मद्य मांस और मधु का त्याग करोगे। किसका? मद्य मांस और मधु का, ये 3 चीजों का तो त्याग कर देना भैया, जो हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी हैं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, और उनसे बोलना भैया भाव अच्छे रखना, आपका भाव अच्छा होगा। क्योंकि गोरा व्यक्ति सुंदर हो जरूरी नहीं, और काला व्यक्ति असुंदर हो जरूरी नहीं। सुनो भैया, बिनी भाई सुनो, गोरा व्यक्ति सुंदर हो जरूरी नहीं, गोरा सुंदर तब होगा जब मन का सुंदर होगा। मन की सुंदरता नहीं है, वो सुंदर होके भी असुंदर है, ना मानो बोले बुरा तो नहीं लगेगा भैया। गोयल जी बोल दे, घोड़े की जो लीद होती है, मल होता है, बड़ा चमकता है, लेकिन हाथ में एक बार लग जाए ना भैया, तो छुटाए छुटाए नहीं बदबू जाती उसकी। बोलो सुनील भैया, ये क्यों कह रहे हैं? जितने लोग यहां बैठे भैया, अपने आप को देख करके कभी हीन भावना नहीं लाना। ये मत सोचना कि हम अधूरे हैं, आप चाहो तो आप भी पूरे हो। कल कोई बता रहा था कि अभी दिव्यांगों ओलंपिक में दिव्यांग भी जाते हैं ना भैया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए दिव्यांग भी, लाए कि नहीं लाए? उन्होंने अपनी उत्साह शक्ति भंग नहीं की थी। एक पैर से भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी उत्साह शक्ति भंग नहीं की थी, आपने अपनी उत्साह शक्ति भंग कर ली है। हर किसी के पास शास्त्री जी पुरुषार्थ का बल है, शक्ति है, व्यक्ति है, अपने से हारता है, दूर से बाहर से कभी नहीं हारता। आप सभी अपनी उत्साह शक्ति को ऐसा बनाकर रखें कि हिमाचल तो क्या सुमेरू भी चढ़ सकते हैं, बस मन तो बना के रखें। पारस भैया मन बना ले, वो तो दीक्षा भी ले सकते हैं। देखो पारस भैया, इस बार बोलना नहीं पड़ा कि ताली बजाओ, मतलब समाज की कितनी अनुमोदना है, बस आपके अंदर उत्साह शक्ति की कमी है, स्वीकारो। देखो बढ़िया आप संचालन कर लेते हो, प्रवचन भी अच्छे कर ही लोगे, बढ़िया गोल मटोल सुंदर महाराज लगोगे, बड़े महाराज लगोगे, मानो आप। देखो उम्र की बात करें अगर अपन अभी, तो ये हमसे उम्र में 2 साल बड़े हैं, और ये हमसे उम्र में 4-5 साल बड़े हैं। हैं? देर उसके लिए जिसके जीवन में अंधेर है। देर क्या हुई? आप तो ये सोचो कि भैया हमारी टेंशन खत्म केस लॉन्च की, इसके बाद बताएं हमने पूरी दुनिया देख ली, सुख दुख देख लिए, धन संपत्ति देख ली, अब हम तीर्थंकर के समान दीक्षा लेंगे? 19 तीर्थंकर ने आपके जैसे दीक्षा ली है, 5 हमारे जैसे हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, बोलो। अब नहीं बोलेंगे कुछ नायक जी, इनको लगता है ये एक टाइम खाते तो ऐसे ही हैं। सुनो भैया, शक्ति आप में है, उत्साह शक्ति भी आप में है, आपने जागृत नहीं की है। जागृत करो। कभी शतरंज खेला किसी ने? शतरंज खेला भाई? ऐसा कुछ खेल के दिखाओ कि पिद्दल से राजा को मारो, कभी देखा है ऐसा खेल?
हमने देखा और हमने खेला भी है। उसको घुमाते ऊंट और घोड़े में है और पिद्दल से पीछे, क्योंकि राजा की जगह पर जाके पिद्दल बैठ जाए तो वो राजा हो जाता है, होता कि नहीं नरेश भैया? हमने कम जिया है लेकिन ठोस जिया है। ये मत देखो कि पिद्दल है, ये देखो कि वो भी खिलाड़ी है। भैया जितने लोग यहां आए हैं, बिल्कुल नहीं अपने आप में हीन भावना लाना, ये मत सोचना मधुरे हैं, ये कभी मत सोचना मधुरे हैं। हमने अपने उत्साह शक्ति को भंग कर लिया है। एक बहुत पुरानी घटना है 1940 के आसपास की, आज प्रसंग में है तो बता रहे हैं। सुदर्शन दत्त जी, ये सभा धर्म की भी है और आम सभा भी है। एक सैनिक था जो निशाना लगाता था, लेकिन एक युद्ध में उसके उसी हाथ पे गोली लगी जिस हाथ से वो निशाना लगाता था। अब उसका वो हाथ चला गया, हाथ नहीं गया उसका पूरा जीवन चला गया, क्योंकि जो कुछ था तो उसका यही था। उसने अब ओलंपिक खेलने के लिए दूसरे हाथ से तैयारी चालू की। लोगों ने कहा अब तो क्या कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसने एक बात कही, बोले आपको दो हाथ संभालना पड़ते हैं तो आपका मन भटकता है, परमात्मा ने मेरा एक हाथ ले लिया, अब मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। ये उसके अंतरंग की उत्साह शक्ति थी। आप अपनी उत्साह शक्ति भंग कर लेते हो। ये क्यों सोच रहे हो कि हम अधूरे हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि हम पूरे कब होंगे? समझ रहे भैया आप लोग? ये मत लेना अपने आप में कि हम अधूरे हैं। नहीं नहीं, हमारी उत्साह शक्ति अभी अधूरी है, मानो स्वीकारो। आपका समय हो गया भैया। पारस भैया देखो, जब अपनी बात आती तो घड़ी कितनी गति चलती है। नहीं तो विधायक जी से पूछो, जिस दिन वो होना था, क्या बोलते हैं, वोटिंग काउंटिंग, जिस दिन होती है काउंटिंग, उस दिन एक एक मिनट नहीं निकलता। भैया कौन सी बूथ बची है? माना कि विधायक जी आगे निकले और उनके कॉम्पिटिटर पीछे, बोले भैया घोषित कर दो भैया, बोले नहीं अभी एक बूथ बचा है। कौन सा? बोले उन्हीं के एरिया का। अरे यार कहीं अपना कछु बचा गया, अपने खुल गए पूरे, भिजवा बोले। उस दिन देखो समय कैसा नहीं कटता, कैसा निकलता समय, एक एक मिनट भारी पड़ता है। सुख के दिन अच्छे लगते हैं, दुख के दिन बिताए नहीं बीतते हैं। भैया दुख के दिनों में भी दुखी मत होना, सुख के दिन जल्दी आएंगे। और हर कोई एक परमात्मा को जरूर मानता है। डॉक्टर साहब आप भी ऑपरेशन करने जाते हो तो एक बार भगवान को स्मरण कर ही लेते हो कि भगवान सब अच्छा हो इसका, ठीक है। लेकिन भैया आप सबसे कहना, जितने लोग यहां बैठे हैं, अब भगवान के पास जाओ तो सुख के दिन कभी मत मांगना, क्योंकि सुख के दिन कभी आपको मिलेंगे नहीं। आप संसार में हो, एक के बाद दूसरा दुख मिलेगा, पक्की पक्की बात है। केवलादी के विधायक है, बोलो भैया संसार में कहां सुख है? आप विधायक हो, आप आए तो चार पुलिस वाले आए, लेकिन बात तो बताओ, बुरी नहीं मानो, बोले हैं पक्का? आपके बाल कहां गए? इनके पूरे हैं। अब आप बोलो महाराज जी इतना ही सा दुख है बस, इनसे पूछना अब कि काले किए कि हैं, इनको भी दुख है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कोई फिजिक्स में फैले तो कोई केमिस्ट्री में फैले, फैल सभी हैं। इसलिए परमात्मा से कभी सुख मत मांगना, क्योंकि राहुल भैया सुख कभी संसार में मिलेगा नहीं। भगवान से हमेशा कहना, भगवान हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख झेलने की शक्ति चाहिए, क्योंकि दुख झेलने की शक्ति मिल गई तो इतना ध्यान रखना आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। अब वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, साधु तो नग्न है, तो भैया ठंडी में भी तकलीफ है, गर्मी में भी है, बरसात में भी है। ठंडी में क्या होता है, ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, पंखा लेते नहीं, कूलर लेते नहीं, फिर बरसात में दोनों लगती हैं।
दिन में गर्मी लगेगी, रात को ठंड लगेगी, ऐसा कोई मौसम नहीं है अब ब्रह्म सागर जो सुख देता हो। इसलिए भैया अपन तो दुख के दिनों में दुखों को झेलने की शक्ति बढ़ाओ, और कोई चारा नहीं है। पारस भैया हम लोगों ने 45 डिग्री तक का अभ्यास कर लिया है। कितना मतलब 45 डिग्री तक टेम्परेचर है तो हाव हाव नहीं होती आप लोगों को, हो जाती है। ये भैया ये भगवान आग बरस रही, पानी कब बरसेगा। 45 डिग्री तक का अच्छा अभ्यास है और रोड में 50 डिग्री तक का, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी। 2030 तक 40-50 नॉर्मल रहेगा, ताकि हमें आगे जाके अपने पंखे कूलर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमने अभ्यास आज से चालू किया है भैया। जिन जिन की व्यवस्था आपने की है ट्रस्ट ने, सबसे एक ही बात कहना है भैया, इसी प्रकार उपकार करते रहें, ताकि उपकार करते रहेंगे तो हमारे प्रति भी कोई ना कोई कभी ना कभी उपकार करेगा। आपने किसी को मरणासन अवस्था में नमोकार सुनाया है, आपको भी नमोकार कोई सुनाने वाला मिलेगा। आपने किसी की रक्षा की है, आपकी भी रक्षा करने वाला मिलेगा। बुंदेलखंडी में कहते हैं दे पपड़िया सो ले पपड़िया, व्यवहार जमा करो तब व्यवहार मिलता है। भैया आपके यहाँ का नहीं पता, हमने एक जगह देखा था ऐसी कापी बनती रजिस्टर की। हाँ भैया कौन आया, नरेश जी कितने 1100 लिखो। हाँ अशोक भैया कितने बोले 500 लिखो, फिर और बोले इनके 25 ठीक है लिखो, जब इनके यहाँ शादी होगी तो वो खोलेंगे। हाँ इनने 25 दिए थे तो कही ठीक है 25 दे आओ। बोले कितने लोग आए थे इनके यहाँ, बोले 4 लोग खाने, बोले अपन 6 चलो। बोलो ना अब अभी ऐसा होता कि नहीं, जो आप दोगे वही मिलेगा। आप किसी के प्रति सद्भावना रखे हो, आपके प्रति भी कभी ना कभी सद्भावना रहेगी। ना मानो तो आप कभी पद्म पुराण रामायण उठा के देख लेना। सुग्रीव ने श्री राम की रक्षा क्यों करी, क्योंकि पूर्व में श्री राम ने सुग्रीव की रक्षा की थी। नल नील ने हस्त प्रहस्त का वध क्यों किया, क्योंकि पूर्व में हस्त प्रहस्त ने नल नील का वध किया था। रावण के पास इतनी स्त्रियां थी फिर भी वो सीता पर क्यों मोहित हुए, क्योंकि इस पर्याय से नहीं हुए, कई पीछे की पर्यायों से मोहित होते हुए आ रहे थे। आज का सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए जितने लोग यहां बैठे भैया आज अच्छे से जी लो, क्योंकि हमारे पास केवल आज है, ना हमारे पास कल है न कल है। बीता हुआ कल निकल चुका है, आने वाला कल हमने देखा नहीं है, हमारे पास केवल वर्तमान है। वर्तमान को ऐसा जी लो कि आने वाले समय में आप रहो ना रहो, लेकिन लोगों के हृदय में जरूर रहना। विधायक जी हम बताएं, अगर हम विधायक बनते एक बार बनते तो हम आमरण बनते, पक्की बात है। नरेश भी हम पक्की बता रहे, और आपको इतने दिन में समझ में आ गया होगा, हमारा जितना एरिया होता हम सबसे पहले पूरे एरिया में जिसकी जो जो समस्या थी वो दूर करते घर घर की। बाकी व्यवस्था 10 साल बाद करेंगे, पहले ये व्यवस्था करो किसको क्या तकलीफ है। जो हमारे वोट देने वाले हैं उसे घर घर आपकी समस्या क्या है, हाँ इनकी समस्या पहले दूर करो। इनकी रोड की है, इनकी इसकी है, उसकी है, स्कूल की है। आपने व्यक्ति को खुश कर लिया है नियम से, वो आपको ही वोट देगा, दूसरे को नहीं देगा। बोलो मिलन भैया, अरे भैया सब स्वार्थी हैं हम भी और आप भी, हमें पता है कि शिवनी की समाज सेवा करेगी तो हम आए हैं, आपको पता है महाराज जी आए हैं तो जलवा खींचेगा प्रभाव ना होगी, सो आप लाए हो, सीधी सीधी बात है। इसमें नायक जी कोई दो बात नहीं है, स्पष्ट है। देखो एक बार बोलो स्पष्ट बोलो सुखी रहो, सत्य है कि नहीं सुदर्शन दादा बताओ आप। आपको पता है कि हमारे समाज को संस्कार मिल जाएंगे तो आप हमें इतनी दूर से लाए हो, और हमें पता है कि माना कि कोरोना वोरोना कुछ हो गया तो समाज इतनी सक्षम है कि वो चर्या करा देगी, सुरक्षा कर देगी, तो हम आए हैं। समझ गए नायक जी, दे पपड़िया सो ले पपड़िया, भूलना नहीं, दे पपड़िया सो यतीन भाई ले पपड़िया। इनको देखकर ये शिक्षा लेना कि हमने हम ऐसा कुछ ना करें कि हम भविष्य में ऐसे हों। आप लोग इन सबको देख के ये शिक्षा लेना कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम ऐसे ही रहें। आप सभी
सुख दुख को छोड़ करके शांत जीवन का प्रयास करें, उपकार तो करें लेकिन वो प्रति उपकार की भावना ना रखें, इतना ही समझना। क्योंकि कह लो कितना ही, अंदर उतना ही रहता है जितना आप यहां से सुनते हो। आप सभी धर्म का पालन करें, विशुद्धि बढ़ाएं, क्योंकि किया हुआ ही आपके पास लौट कर आएगा। भगवान महावीर स्वामी।